राम राम भाइयों, मैं प्रकाश फिर से लेके आया हूँ राजस्थान ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। हम बात कर रहे थे रिवर्स ऑफ राजस्थान की, और इसमें हम बात करेंगे माही रिवर सिस्टम की। देखिए इस मैप में आपको दिख रहा होगा माही रिवर जो एमपी से शुरू होके राजस्थान से होते हुए गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये धार डिस्ट्रिक्ट जो एमपी में पड़ता है वहां से विंध्यन रेंज से ओरिजिनेट होती हुई ये राजस्थान की तरफ बहती है। अगर हम बात करें ये मालवा प्लेटू है नॉर्थ वेस्ट साइड में, और ये राजस्थान में एक खांडू विलेज है बांसवाड़ा का। वहां से एंटर करके बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, वहां पे है माही बाजार सागर डैम। ये स्पेशली राजस्थान और एमपी के निकटवर्ती जिलों को पानी की सप्लाई करता है, इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद माही बाजार डैम के आगे एक 56 का मैदान आता है, बांसवाड़ा में ही है ये, प्रतापगढ़ तक का एक रीजन है जहाँ पे बोला जाता है कि भाई 56 प्रकार के नदी नालों की वजह से एक बड़ा सा एक एरिया बना हुआ है और उसको 56 का मैदान के नाम से जानते हैं। अरावली की नॉर्थ में अरावली होने की वजह से ये एक साथ टर्न ले लेती है साउथ की तरफ, और ये फिर वापस गुजरात की तरफ मुड़ जाती है। ये डूंगरपुर से होते हुए गुजरात में प्रवेश कर जाती है। इसकी एक और विशेषता है कि ये राजस्थान की इकलौती रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये एक जगह बांसवाड़ा एक जगह डूंगरपुर। डूंगरपुर और गुजरात के बॉर्डर पे एक और इम्पोर्टेंट डैम है कांडना रिजर्वेयर, ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट रिजर्वेयर है। ये रिवर साउदर्न फ्लो करती हुई वडोदरा के वेस्ट से होती हुई गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिर जाती है। अब अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो इसकी दो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, एक है सोम सोम रिवर, और एक है जाखम जो प्रतापगढ़ से निकलती है। सोम निकलती है उदयपुर से और जाखम निकलती है प्रतापगढ़ से। ये तीनों रिवर मिलके एक त्रिवेणी संगम बनाती है। ये डूंगरपुर का एक इलाका है बेणेश्वर धाम, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वार्षिक मेला भी भरता है हर साल। और एक और इम्पोर्टेंट रिवर है इसकी अनास, जो विंध्यन रेंज से ही निकलती है और बांसवाड़ा से होते हुए ये डूंगरपुर वाले। डूंगरपुर में ये माही रिवर से मिल जाती है। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंट राजस्थान में प्रवेश करने वाली या मिलने वाली इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। तो आइए देखते हैं इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चंस जो अपन कर पाएंगे। तो ये है एमसीक्यूज, देखते हैं अपन ट्राई करते हैं। द माही रिवर सिस्टम रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। सिंपल सी बात है, ये मध्य प्रदेश धार जिले से निकलती है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, द माही बजाज सागर डैम इज ए मेजर डैम ऑन विच रिवर इन विच डिस्ट्रिक्ट इट इज लोकेटेड। माही बजाज सागर डैम माही रिवर पे है और ये बांसवाड़ा जिले में है राजस्थान के।
तीसरा क्वेश्चन है, द माही रिवर इज वन ऑफ द फ्यू रिवर्स इन इंडिया दैट कट्स अक्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, इन विच स्टेट डज दिस यूनिक फिनोमिना अकर। अभी बात की हमने कि ये राजस्थान में दो जिलों में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये फिनोमिना पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ माही रिवर। साबरमती इंडिपेंडेंट रिवर है जो अरेबियन सी में जाके मिलती है। ताप्ती अलग रिवर है, नर्मदा एक मेजर रिवर है। ये रिवर मेनली गुजरात में बहती है और माही रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। द माही रिवर एस्चुरी इज नोटेड फॉर होस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वेलदर और जम्बू जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका सही आंसर है मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ। अगला क्वेश्चन है, विच एंशियंट सिविलाइजेशन इज बिलीव्ड टू हैव सेटल्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ माही रिवर अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। ये आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में पाया गया कि हरप्पन साइट्स की कुछ सिविलाइज पीपल थे जो माही रिवर के बैंक्स पे रहते थे। अगला क्वेश्चन है, द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एसोसिएटेड विद द माही रिवर इज प्राइमरली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स। अगर हम डिस्प्यूट की बात करें, वाटर डिस्प्यूट होता है दो दो स्टेट्स के बीच में पानी की कमी या पानी की सप्लाई के साथ, और ये ज्यादातर देखा गया है कि राजस्थान और गुजरात के बीच में ये डिस्प्यूट होता है। तो इसका कहाँ आंसर है, राजस्थान एंड गुजरात। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माही रिवर फ्लो पैटर्न थ्रू इट्स बेसिन। अगर हम इसके यूनिक फ्लो पैटर्न की बात करें, तो पहला ऑप्शन है इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट एग्जिबिट है हाईली ब्रेडेड पैटर्न, इट एक्सपीरियंसेस रिवर्स फ्लो ड्यूरिंग द मॉनसून एंड इट हैज एन अंडरग्राउंड फ्लो सेक्शन। ये सही नहीं है, रिवर्स इम्पॉसिबल है और ब्रेडेड पैटर्न नहीं दिखता है इसमें। ये तो एक पहला ऑप्शन है इसका, इट है इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सही है। द कांडना डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन माही रिवर इज नोन फॉर ए यूनिक फीचर, व्हाट इज इट। तो अगर हम कांडना डैम की बात करें, तो ऑप्शन है इट इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, इट फीचर्स एन इनवर्स सिफन स्पिलवे, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेशनल कंपोजिट डैम, और लास्ट है इट हैज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी इन इट्स रीजन। तो सही आंसर है इट फीचर्स एन इन्वर्टेड सिफन वैली स्पिलवे। इन्वर्टेड सिफन स्पिलवे होता है कि नॉर्मल एक डैम होता है जिसमें गेट की फैसिलिटी नहीं होती है, बजाय इसके एक सेक्शन बना दिया जाता है इसके ऊपर से, जब अगर ओवरफ्लो जैसा सिचुएशन आए, अगर एक्सेसिव पानी आए तो अपने आप इसके ऊपर से निकल जाता है, और जैसे ही लेवल नीचे गिरता है ये पानी निकलना बंद हो जाता है। तो ये इसका यूनिक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन द माही रिवर हैज बीन पार्ट ऑफ ए पाइनियरिंग प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया, व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन। तो अगर माही के संदर्भ में अपन बात करें कि ये किस प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए, तो पहला ऑप्शन है द रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन, जो गंगा है उसके उसमें ये कंजर्वेशन सिस्टम पाया जाता है। बी है राइपेरियन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन,
थर्ड है सैंड माइनिंग रेगुलेशन, और थर्ड है फोर्थ है एक्वेफर रिचार्ज। तो इसका सही आंसर है राइपेरियन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, जो बांसवाड़ा के 56 का मैदान से हम देख सकते हैं कि एक लार्ज सेक्शन बनाता है राइपेरियन, जिसको बचाने का कोशिश की जा रही है। तो ये थे हम अपने क्वेश्चंस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।